सबको जय यीशु, जय यीशु मसीह में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज मैं इस शाम के समय आप सबका इस प्रार्थना में हमारे यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सबका इस ऑनलाइन प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आप सबका इस प्रार्थना में स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रतिदिन इस समय प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के सिंहासन के सामने उनके चरणों में बैठकर कुछ समय उनके साथ बिताते हैं और उनकी आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार, अपने आवश्यकताओं के लिए, अपने जीवन के लिए और तमाम प्रकार के बंधनों से छुटकारे के लिए। प्रिय भाई और बहनों, आज फिर प्रभु ने हमें ये कृपा और ये आशीर्वाद दिया कि हम एक साथ मिलकर कुछ समय प्रभु के साथ बिताएं। तो आइए, मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, अपने दिल, मन, शरीर, आत्मा, प्राण, अपनी इंद्रियों को, अपने सोच और अपने विचार को, अपने परिवार को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, जो आपकी ज़रूरत है, उन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उनकी आराधना करते हुए उनसे प्रार्थना करें और उनका अधिकार मांगें, उनका नियंत्रण अपने ऊपर मांगें, अपने जीवन पे मांगें और प्रभु से कहें, प्रभु आज के दिन मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तब तक तेरे पास बैठा रहूँगा, तब तक आपको पुकारता रहूँगा, तब तक आपकी दुहाई देता रहूँगा जब तक आप मुझे छू नहीं लेते, जब तक आप मुझे चंगा नहीं कर देते। जैसे कि जो अंधा था, दो अंधे यीशु के पीछे पीछे पुकारते हुए चंगाई पाने के लिए उनके पीछे हो लिए और प्रभु ने उनको चंगा किया, वैसे ही आप भी प्रभु को मजबूर कर दीजिए कि वो आपके लिए रुक जाए, ठहर जाए। जैसे कि जकियुस के लिए प्रभु रुक गए, जैसे कि उस अंधे भिखारी को चंगा करने के लिए यीशु रुक गए, जैसे कि उस रक्त स्राव से बहती हुई स्त्री के लिए उन्होंने पूछा किसने मुझे छुआ, आज आप भी प्रभु को छुइए और प्रभु से कहिए, प्रभु आप मुझे छुइए और प्रभु से कहिए, आज मैं आपसे चंगाई पाना ही चाहता हूँ। प्रभु आप प्रभु को पकड़ लीजिए, मत छोड़िए, उससे कहिए तेरे घावों से बहते हुए रक्त के द्वारा मुझे चंगा कीजिए, क्योंकि तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में उद्धार है और तेरे नाम में मुक्ति है। तू ही एकमात्र ईश्वर है और तू ही मुक्तिदाता है। तो आइए उस मुक्तिदाता की आराधना और स्तुति करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि इस समय प्रभु आपको छुए, स्पर्श करें और आज आपको पूर्ण रूप से अपने घावों के बहते हुए रक्त के द्वारा चंगाई दें। तो प्रिय भाइयों और बहनों, इस समय हम प्रार्थना करेंगे इन सभी मतलबों के लिए, इन सभी ज़रूरतों के लिए। प्रभु इन सब भाई बहनों को और आपको, हम सबको प्रभु छुए और आशीष प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे और अपने सानिध्य से, अपने अभिषेक से, अपने आत्मा से हमें भरे। प्रभु के वचन की, प्रभु की शक्ति आज हमें छुए, प्रभु का वचन हमें स्पर्श करे और उसका रक्त हमें शुद्ध करे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं, तालियों को बजाते हुए एक साथ ऊंची आवाज में हम लगातार कुछ देर प्रभु की स्तुति करेंगे।
चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, thank you.
पापी हैं, हम नादान हैं, हम पर दया करना। शांति है उस नाम को गाएं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। लगातार हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। दिल की गहराई से आज आपके बंधन खुलेंगे यीशु नाम में। Hallelujah, 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 sabilo, hallelujah.
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 हालेलुया 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 तोड़ 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 यीशु बंधन तोड़िए, यीशु मसीह के नाम पर बंधन टूटे, इस समय बंधन खुल जाए, खुले यीशु मसीह के नाम पर, यीशु प्रभु के नाम पर, बुद्धि दाता के नाम पर, चंगाई दाता के नाम पर, एकमात्र ईश्वर के नाम पर बंधन खुले, टूटे, आजादी मिले, स्वतंत्रता मिले, ओ बंधन वाले खुले, इस समय यीशु का लहू आपको शुद्ध करे, यीशु का लहू आपको चंगाई प्रदान करे, यीशु का लहू आपको छुटकारा दे, बंधनों से आजाद करे इसी समय। हालेलुया 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 छूले प्रभु, छूले एक एक को छू, यीशु का स्पर्श मिले आपको, यीशु का स्पर्श मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले यीशु के नाम पर। हालेलुया 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 स्तुति करते जाएं, आवाज को बुलंद करते हुए स्तुति करते जाएं। भाई मेरी बहन, प्रभु की ओर पूरा ध्यान लगाएं, वो प्रभु हमारे बीच में है, उनका अभिषेक आप पर उतर रहा है, उनकी शक्ति आप पर उतर रही है, यीशु का लहू आप पर छिड़का जा रहा है, यीशु अपने लहू को आप पर छिड़क रहे हैं, जिससे आपको मुक्ति मिली है, वो लहू आपको स्पर्श कर रहा है इसी समय। हालेलुया 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 प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। वो प्रभु मुक्ति दाता, चंगाई दाता, आशीष दाता, छुटकारा दाता, बंधनों को तोड़ने वाला प्रभु, स्वतंत्र और आजाद करने वाला प्रभु, एकमात्र ईश्वर जो मनुष्य को नाम दिया गया है। वचन बताता है इस संसार में मुक्ति के लिए मनुष्य जाति को एक नाम दिया गया है, वो नाम है ईसा का नाम, यीशु का नाम। आकाश और धरती के ऊपर, आकाश और धरती के ऊपर एक ही नाम है, वो नाम है यीशु। उस यीशु ने अपना खून बहाकर आपको और मुझे छुटकारा दिया। उसने जन्म तो चरनी में लिया, वचन बताता है वो हमारे राजा हैं, वो राजा होते हुए दीन बने, राजा को महल में किसी बड़े घर में जन्म लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना दीन बनाया, इतना नम्र बनाया हमारे लिए, वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आए और उन्होंने चरनी में जन्म लिया, एक गौशाला में जन्म लिया, इतना दीन और नम्र बन गया हमारा खुदा, इतना दीन और नम्र बन गया हमारा यीशु, हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, राजा होते हुए भी दीन बना। वचन बताता है वो राजा इस संसार में शांति लेकर आया, आशीष लेकर आया, उद्धार लेकर आया, मुक्ति लेकर आया, अपने लोगों को बचाने आया, अपने लोगों को छुटकारा देने आया, पाप से, गरीबी से, गुलामी से, अंधकार से, बुराई से, बीमारी से,
वो बचाने आया। और उसने आपको और मुझे कैसे बचाया? अपने लहू की कीमत पर उसने बचाया, उसने अपना लहू बहाया। वो लहू, उस लहू के द्वारा ही आपको चंगाई मिली है मेरे भाई, मेरी बहन। उस लहू के द्वारा ही आपका उद्धार हुआ है, छुटकारा हुआ है। उसका लहू बड़ा कीमती है, अनमोल है। वो लहू इस समय आपको छुएगा, वो लहू आपको स्पर्श करेगा, जिससे आपकी बीमारी निकल जाए। इस समय प्रभु के लहू को अपने सर से पैरों तक लगाइए, अपनी बीमारी पर यीशु का लहू लगाइए, अपने घर की चौखटों पर यीशु का लहू लगाइए, अपने बिस्तरों पर यीशु का लहू लगाइए, अपने बिजनेस पर यीशु का लहू लगाइए, अपने बच्चों के सर से पांव तक यीशु का लहू लगाइए। उस लहू से ही चंगाई मिलती है, उस लहू से ही उद्धार और छुटकारा है मेरे भाई, मेरी बहन। प्रभु से कहें, प्रभु दया कर, मुझे छू। वचन बताता है, उनके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो चुके हैं, उनके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो चुके हैं। यीशु के घावों से जो लहू बहा, यीशु ने जब अपनी जान दी, उनको मारा गया, पीटा गया, अनगिनत कोड़े उन्होंने खाए। वचन बताता है कि मारते पिटाई खाते खाते, दुख सहते साते, कोड़ों की मार खाते खाते, वचन बताता है कि उनकी आकृति इतनी विरूपित कर दी गई कि वे मनुष्य नहीं जान पड़ता था। उसके कोड़े खाने से हमें शांति मिली है, उसके घावों से बहते हुए रक्त के द्वारा हमें चंगाई मिली है। ओ प्रभु को धन्यवाद दे, जिसने हमें बचाया छुड़ाया। वो प्रभु आज आपको भी छुड़ाएगा, आज वो आपको भी बचाएगा, आज वो आपको भी आजाद करेगा, आज वो आपको भी छुटकारा देगा, आपकी गरीबी से, आपकी बीमारी से, आपके रोग से, आपके कर्ज से। उस यीशु के लहू को पुकारे, यीशु से कहे, यीशु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर तरस खाइए, यीशु मेरे परिवार में चले आइए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु ने अपनी जान हमारे लिए दी, उस प्रभु ने अपनी जान दी। उस प्रभु से कहें, प्रभु तुझे धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़ गया, जो सजा हमें मिलनी थी वो सजा उसने अपने ऊपर बड़ी दीनता और नम्रता से ले ली, और हमें बचाया, हमें छुड़ाया। उसके घावों से बहते हुए रक्त के द्वारा हमें आशीष मिली। उसी रक्त को, उसी लहू को पुकारें और कहें एक साथ ऊंची आवाज में, प्रभु से कहें, प्रभु तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर, तेरे लहू से मुझे पूर्ण रूप से धो डाल, तेरा लहू मुझे छुए आज के दिन। यीशु का लहू आपको छुए, पुकारें यीशु से कहें, यीशु हमारे पापों के लिए, यीशु हमारे पापों के लिए, यीशु हमारे दिल की गहराई से पुकारे, कुर्बान हो और हमें बचा लिया। सूली पर कुर्बान हुआ और हमें बचा लिया, और हमें बचा लिया। हमें जो सह
हमें जो सह लेता वो उसने सह लिया। हमें मिलनी थी वो उसने ले लिया। सजा हमें जो मिलनी थी वो उसने ले लिया। उनके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए, चंगे हो गए। यीशु के घाव द्वारा, आप यीशु के घाव के द्वारा भले चंगे हो गए, चंगे हो गए। आपकी बीमारी जा चुकी है। कमर का दर्द जा रहा है, स्वीकार करें। आप यीशु के घाव के द्वारा भले चंगे हो चुके हैं। आपके लीवर में जो समस्या है, सूजन है और लीवर सही से काम नहीं कर रहा, यीशु के घावों के द्वारा आप चंगे हो गए हैं। पड़े हैं, आज उठकर आप चल जाए लगे हैं। यीशु आज आपको चलाएगा, आपको आपके बिस्तर से खड़ा करेगा। उसके घावों के द्वारा आप चंगे हो गए हैं।
यीशु के घावों द्वारा दर्द सर्वाइकल की बीमारी समय आपको छोड़ कर जा रही है। दुष्ट आत्माएं आपको जो सताती हैं इस समय आपको छोड़ कर जा रही है। जो बोल नहीं पाते हैं और चल नहीं पाते इस समय बच्चे बोलेंगे और चलेंगे यीशु के घावों के द्वारा चंगे हो गए हैं। स्वीकार करें कहें उसके घावों द्वारा आपको सांस लेने में तकलीफ होती है उनके घावों द्वारा हो गए हैं। यीशु के घावों के रक्त से बहते हुए शक्ति के द्वारा आप चंगे हो गए हैं। शरीर में वो समस्याएं आपको छोड़कर जा रही है। आप भले चंगे हो गए हैं। आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, यीशु का लहू ऊपर उतर रहा है। बिस्तर में पड़े हैं पैरालाइज है, यीशु के घावों की शक्ति आप पर उतर रही है और आप चल पाएंगे यीशु के घावों के द्वारा। प्रार्थना में जुड़ जाए, यीशु के लहू को अपने परिवार में लगाएं। आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, आज शांति है। दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं, यीशु के लहू को लगाएं, उसके लहू से आप चंगे हो गए हैं। एक साथ आपका पति शराब पीता है, नहीं छोड़ रहा, यीशु का लहू को लगाए।
समय रक्त की शक्ति के द्वारा आपकी नौकरी परिवार से छोड़ करके जाए। आप दुष्ट आत्मा से सताए जाते हैं, दुष्ट आत्मा यीशु के लहू के द्वारा भाग जाए। इसी समय आपको छोड़ करके जा रही है, यीशु का लहू लगाए। अच्छी तरह से प्रार्थना कर सकूं, तेरा वचन को पढ़ सकूं, यीशु के घावों द्वारा के लिए सभी लोग हमारे स्वीकार करें। सभी लोग एक साथ नाचिए बाद में स्वीकार करते हुए। स्वीकार कहे कहे आमीन, यीशु आमीन, आमीन। प्रभु तेरे घावों के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ, अपने शरीर से बीमारी को इस समय डाटा कहे, मैं यीशु का हूँ और यीशु मेरा है, उसके घावों के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। धन्यवाद यीशु, चंगे हो।
थैंक यू जीसस। दोनों हाथ पर उठाते हुए वो एक बार प्रभु की स्तुति हम करें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं और स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करें प्रार्थना करें, इस समय प्रार्थना करें। यीशु के लहू को लेते हुए, यीशु का लहू हाथों में लेते हुए, यीशु के लहू को मांगते हुए प्रार्थना करें। प्रार्थना में जुड़ जाएं, प्रार्थना करें, जुड़ जाएं प्रार्थना में, स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन टूटे इस समय, बंधन खुल जाए, नष्ट हो जाए इसी समय। यीशु के नाम पर आजादी मिले, चंगाई मिले। प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करे, प्रभु का अभिषेक आपको छुए। मेरे भाई भाई बहन प्रभु को पुकारे, उनका लहू लगाए, अपनी बीमारी पर लगाए, विश्वास करते हुए कहें, आप यीशु के घावों के द्वारा चंगे हो गए हैं, चंगे हो चुके हैं। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। बीमारी यीशु के नाम पर जा रही है, जा रही है। उसका लहू आपने लगाया है, आप आजाद हो चुके हैं। प्रभु को धन्यवाद दें, कहें धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्रभु की महिमा करें, आराधना करें, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें। आत्मा का अभिषेक आपको छुए, प्रभु का लहू आपको छुए 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 इसी समय। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हमारे बीच में इस समय, प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी उपस्थिति में बने रहे, यीशु का नाम लेते हुए रहे। यीशु तेरे कामों के द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु का लहू आपने लगाया है, यीशु के लहू से आप चंगे हो चुके हैं। अब आपके पास कोई गरीबी नहीं रही, अब आपके जीवन में कोई बंधन नहीं रहा, अब आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आपको छोड़ करके गई है, आप आजाद हो गए। आपके परिवार में शांति आई है, आपके परिवार में प्रेम आया है, एकता आई है, आपका कर्ज दूर हो गया है, आपके शरीर में बल और ताकत आई है। शरीर में जो बीमारी थी वो आपको छोड़ करके गई है, क्योंकि आपको यीशु के लहू ने छुआ है और आपने उस यीशु के लहू को लगाया है। आपके घर में जो झगड़ा होता था वो समाप्त हो गया है। धन्यवाद दें प्रभु को। आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, आज से आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी। आज से आपका बिजनेस बढ़ेगा, आज से आपके घर में प्रेम बना रहेगा, आज से आपके घर में बरकत रहेगी, आज से आपके लिए प्रभु आपका कर्ज चुकाने के लिए प्रबंध करेगा। आपका घर जो बन रहा है, अधूरा पड़ा है और बनाने वाले हैं, प्रभु प्रबंध करेगा। आपके शरीर में, घुटनों में, हाथ पैरों में जो दर्द था वो चला गया है, आज से आपको शांति महसूस होगी। धन्यवाद दें उस प्रभु को। थैंक यू जीसस। मेरे इन भाइयों को, इन बहनों को छूने के लिए, इन्हें स्वतंत्र करने के लिए तेरा लहू प्रभु इनको, इनके सर से पैरों तक लगाने के लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु आपकी महान उपस्थिति के लिए, सारे बंधन खोलने के लिए। धन्यवाद यीशु, आपका कार्य हमारे बीच में करने के लिए धन्यवाद।
प्रभु इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। ढीले हो जाएं, नम्र बन जाएं, उनको अपने ऊपर अधिकार लेने दें, उन्हें स्थान दें, उनसे कहें यीशु आइए इस दिल में, आइए इस परिवार में, आइए इस घर में, आइए आपकी जगह मेरे दिल में, मेरे मन में है, मेरे घर में है, आपकी जगह मेरे परिवार में है, आइए प्रभु मेरा परिवार आपके लिए तैयार है, आपका स्वागत करता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु सारी महिमा सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम पर मानते हैं, कहें आमीन 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 आमीन। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु की सामर्थ्य भरी उपस्थिति, प्रभु की शक्ति की छाया, प्रभु का अभिषेक, पवित्र आत्मा यीशु का लहू आपके बीच में उपस्थित है। प्रभु को धन्यवाद दें, उसने आपको छुआ, उसके घावों के बहते हुए रक्त की शक्ति के द्वारा आप भले चंगे हो गए। धन्यवाद दें उस प्रभु को इस चंगाई के लिए, इस छुटकारे और आजादी के लिए, इस प्रबंध और इंतजाम के लिए, इस महान उपस्थिति के लिए, उस प्रभु को धन्यवाद दें। कितना भला है हमारा प्रभु, कितना महान है हमारा ईश्वर, जो पुकारने पर हमारे बीच चला आता है और हमें शुद्ध करता है। यीशु ने अपने लहू से आपको मुझे धो दिया है, शुद्ध कर दिया है, चंगाई दे दी है, परिवारों में शांति आई है, आपके परिवार, आपका जीवन आज से बदल गया है। उस प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद प्रभु। मेरे प्रिय भाई और बहन, इसी तरह से प्रभु में बने रहें, प्रभु को पुकारते रहें, उनसे लिपटे रहें, उनकी आराधना करते रहें, वो आपको कभी निराश नहीं होने देंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें आपका ख्याल है, ध्यान है, वो आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे, और उन्होंने आज आपके जीवन में कार्य किया है। उस प्रभु को लाखों बार धन्यवाद। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना में बने रहने के लिए, और इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों को भेजने के लिए आप सबको धन्यवाद। और आपसे अनुरोध, आग्रह करूँगा, और अधिक से अधिक लोगों को इस प्रार्थना में जोड़िए, प्रार्थना लोगों के पास भेजिए, उन्हें शेयर कीजिए, और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दूसरों को, जो आप देख रहे हैं, जो आप नए जुड़े हैं। और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रोज़ ये प्रार्थना मिल जाए, और ये प्रार्थना डेली रात 8:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में लाइव आती हैं। आप इसमें जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और यदि आप लिंक लेना चाहते हैं, आप अपने नंबर से हमारे पास हाय लिखकर भेजें, या लिखकर भेजें, हमें लिंक भेजिए, प्रार्थना भेजिए, हम आपको भेज देंगे, उसके बाद आप सब्सक्राइब कर दीजिए, डेली आपको प्रार्थना मिल जाएगी। प्रिय भाई और बहनों, यदि आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं और अपनी गवाही भेजना चाहते हैं और प्रार्थना का लिंक ले मांगना चाहते हैं, आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं अपनी प्रार्थना, निवेदन, गवाही भेजने के लिए। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर नीचे जो लाइन चल रही है वहाँ पर आपको मिल रहा है, दिख रहा होगा, वहाँ से ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिया गया है। और अपनी गवाही, निवेदन जब आप भेजते हैं, साफ साफ लिखकर भेजें, अपना नाम, आप कहाँ से हैं, आपका क्या प्रार्थना निवेदन है, और आपकी क्या गवाही है। प्रिय भाई और बहनों, आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए और प्रभु में बने रहिए। कल फिर हम मिलेंगे एक बार फिर से दोबारा 8:30 बजे, और फिर प्रभु की हम आराधना करेंगे, प्रभु आपको छुएंगे, आपको आशीष देंगे, और कल के दिन प्रभु फिर आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आएगा और मैं उससे आशीष
करूंगा। प्रभु का आशीर्वाद मेरे प्रिय भाई बहनों आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके कामकाज पर, आपके बच्चों पर, आपके पति पत्नी पर बना रहे। आप सबको प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।